हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमृतसर अटारी वाघा बॉर्डर गैर भारतीयों के लिए बंद कर दिया जाएगा। आज शाम 5:30 बजे से अटारी वाघा बॉर्डर को एहतियातन बंद कर दिया है। कोई भी विदेशी या पाकिस्तानी नागरिक वाघा बॉर्डर के जरिए भारत में अब प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो एहतियात के तौर पर यह बड़ा कदम भारत सरकार का। जगविंदर पटियाल मेरे वरिष्ठ सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। जगविंदर, क्या अपडेट इस खबर पर आपके पास? देखिए शोभना, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक अमृतसर का अटारी बॉर्डर खुला रहता है। अगर पाकिस्तान से कोई भी विदेशी इधर आना चाहे या पाकिस्तानी नागरिक आना चाहे तो वो जमीन के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करके आता है। आज शाम 5:30 बजे से किसी भी विदेशी या गैर भारतीय की पाकिस्तान की तरफ से भारत में ये एंट्री बंद हो जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश जारी करने के बाद आज ये वहां पर जो बॉर्डर अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये फैसला लिया है। केवल जो भारतीय हैं वही भारत में आ पाएंगे पाकिस्तान के जरिए, या जो पाकिस्तान गए हुए हैं वो लौटना चाहेंगे तो वो आ पाएंगे, लेकिन उनको भी 14 दिन के लिए आइसोलेशन वार्ड में रहना पड़ेगा। अमृतसर में आइसोलेशन वार्ड जो क्रिएट किए गए हैं वहां पर उनको रखा जाएगा, उसके बाद ही वो भारत में आ पाएंगे। ये कड़ा कदम कोरोना को आगे फैलने से रोकने के लिए एहतियातन अपनाया जा रहा है। दूसरी बात ये कही गई है बॉर्डर अथॉरिटीज की तरफ से कि जो भी लोग अब तक भारत आए हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों या पाकिस्तान के जरिए किसी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हों, वो अगर लौटना चाहते हैं तो उनको रोका नहीं जाएगा। लेकिन अब किसी नए आदमी का या गैर भारतीय का भारत में बॉर्डर जो अमृतसर का अटारी वाघा है वहां से प्रवेश नहीं होगा। जो भी भारतीय आएंगे उनको भी आइसोलेशन वार्ड में रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर इस पूरी जानकारी के लिए। तो विदेशी नागरिकों की एंट्री पर रोक, अटारी वाघा बॉर्डर से अब कोई भी गैर भारतीय भारत में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने सार्क देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे ये कहा है कि कोरोना से लड़ना होगा। तो कोरोना वायरस पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, एक स्ट्रांग स्ट्रेटेजी की जरूरत है, कोरोना वायरस से लड़ाई जारी है, एक स्ट्रांग स्ट्रेटेजी की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं, हमारा गृह कोरोना वायरस से बहुत सारे स्तरों पर लड़ रहा है, सरकार और लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।